शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब हाजी करम खान साहब का, उन्होंने इतफाकनामा पेश किया। इसके बाद मैं मुलतमस हूँ अपने नौ मुंतखब सदर एफका कमीशन व डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को मनोहर खान काशिफ साहब से कि वो डाइस पर आने की तकलीफ करें और अपने ख्याल से हमें आगाह करें। तकरीबारी के मेहमान खसूसी कमिश्नर कोयटा डिवीजन कोयटा जनाब मोहम्मद नसीम लहर साहब, एडिशनल कमिश्नर कोयटा डिवीजन जनाब जफर अली शाह बुखारी साहब, सदर तकरीब जनाब हाजी अब्दुल्ला साफी साहब, जनाब ईडीसी जनरल मोहम्मद तारिक साहब, इरफान बसीर साहब, जितने हमारे मेहमान ने गरामी है, सुप्रिंटेंडेंट साहिबान और सारे दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम रहते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। खासतौर पर मेहमान खसूसी जनाब कमिश्नर साहब का कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए कुछ टाइम निकाला और हमारी हौसला अफजाई की, हमारी हिम्मत बढ़ाई। यहां पे आज जमा होने का मकसद सिर्फ ये है हमारा कि हम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जितने भी मुलाजिम हैं हम सब एक हैं, हमारे दरमियान कोई तफरीक नहीं, कोई हमारे दरमियान जो है इख्तिलाफात नहीं। आज माशाल्लाह सारे दोस्त जो है इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हुए हैं, जिसमें हमारे दूसरे पैनल के भी सारे दोस्त मौजूद हैं और हमारे पैनल के भी सारे दोस्त मौजूद हैं। ये इस बात का वाज़ह सबूत है कि हमारे दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं और हम सारे भाई यहां पर हैं। इस प्लेटफॉर्म पे चंद बातें करना मैं अपना फर्ज समझता हूं कि आप सबके सामने और जनाब कमिश्नर साहब के सामने उन बातों का मैं इजहार करूं। एडमिनिस्ट्रेटिव अलाउंस की यहां पर बात हुई तो एडमिनिस्ट्रेटिव अलाउंस जैसे हम सबको इल्म है, हमारे जितने ऑफिसर साहिबान हैं उन सबको एडमिनिस्ट्रेटिव अलाउंस जो है वो मिलता है, बीइंग द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो इसमें हमारा भी हक है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अलाउंस जो है वो हमें भी मिले। तो कमिश्नर साहब से और जो हमारे आलाकार हैं और हमारे अफसरान हैं उनसे इंतहाई अदब के साथ जो है हमारी गुजारिश है कि वो अपनी खसूसी तवज्जो और कोशिश से इस एडमिनिस्ट्रेटिव अलाउंस को मंजूर करवाने की कोशिश करें। इसके अलावा हाउस रिक्विजिशन जो कि एक सूबाई मसला है, हमारे सूबाई वजीली कायदीन भी मौजूद है, मेरी उनसे भी दरख्वास्त है कि हाउस रिक्विजिशन के मसले को भी हल करवाया जाए। और ये चंद दफाते जिनके साथ जो है वो सोतेला सलूक किया जाता है वो सलूक खत्म हो और इनको भी मराद दी जाए। यूटिलिटी अलाउंसेज है हमारे, मेडिकल अलाउंस है हमारा, दफ्तर के मुलाजमीन के लिए एक बस सर्विस का आगाज होना चाहिए। बस ऑलरेडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मौजूद थी जो कि अब मेरे ख्याल शायद क्वारी रोड पे कहीं खड़ी हुई है, तो वो बस अगर दफ्तर में आ जाए उसके जरिए हम अपने मुलाजमीन को घरों से और घरों से दफ्तर तक और दफ्तर से घरों तक जो है वो आसानी पहुंचा सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे अगर किसी मुलाजिम की फौतगी वगैरह होती है तो उस सिलसिले में भी हम फातिया वगैरह के लिए जा सकते हैं। तो ये चंद गुजारिशात थी, बाकी आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये वादा है हमारा कमिश्नर साहब से, हमारे तमाम ऑफिसरान साहिबान से, आप सब से कि इंशाल्लाह अपनी जान तोड़ और जी तोड़ कोशिश करेंगे कि इस ऑफिस के मुलाजमीन के लिए उनका जायज हक और इज्जत के साथ वकार के साथ बगैर किसी तसादुम के और अपने अफसरान की इज्जत को मरून मिलत रखते हुए अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।